पहला मैंने बताया था, हमने जो समझा था बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारे पास दो टेबल, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय की डिटेल है और जिन डिपार्टमेंट में वो वर्क करते हैं उनकी डिटेल है, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल में 3 रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट टेबल में 2 रिकॉर्ड। जब हम एक क्वेरी लिखेंगे और क्वेरी में क्या मेंशन किया हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीईपीटी। तो व्हेन वी पुट मल्टीपल टेबल नेम आफ्टर फ्रॉम क्लॉज, जब हम फ्रॉम क्लॉज के आगे बहुत सारी टेबल के नाम लिखते हैं, तो इट विल प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ ईच रिकॉर्ड ऑफ बोथ टेबल। जब भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू लिखा, तो वो दो टेबल वन का हर रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन, टेबल वन का हर रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन टेबल टू के हर रिकॉर्ड से करेगा। तो देखो, अमित अमित दो बार, अमित का रिकॉर्ड दो बार आया, पहली बार 10 सेल्स के साथ, दूसरा 20 प्रोडक्शन के साथ। 102 राहुल का भी दो बार रिकॉर्ड आ रहा है, पहली बार सेल्स के साथ, दूसरी बार प्रोडक्शन के साथ। रितु का भी दो बार रिकॉर्ड आ रहा है, 10 सेल्स के साथ, 20 प्रोडक्शन के साथ। इसको कहा जाता है, इस क्वेरी को, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेरी में दो टेबल के हर रिकॉर्ड का आपस में कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। और इसमें क्वेश्चन एक ये बनता है कि यदि दो टेबल आपको गिवन है, तो दोनों टेबल के कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर जो बनी हुई टेबल है उसका डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होगी। तो डिग्री जो होगी, दोनों टेबल के नंबर ऑफ कॉलम का सम होता है। पहली टेबल में 3 कॉलम थे, दूसरी टेबल में 3 कॉलम, तो 3 + 3 = 6, मतलब टेबल वन के कॉलम्स और टेबल टू के कॉलम्स का समेशन, इट इज डिग्री ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो C1 + C2 इसलिए लिखा है, पहले टेबल के कॉलम की संख्या दूसरे टेबल के कॉलम की संख्या का जोड़, ये होगा डिग्री ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमारा इस एग्जांपल के लिए डिग्री होगी 6। और पहली टेबल के रिकॉर्ड्स की संख्या और दूसरी टेबल के रिकॉर्ड्स की संख्या R1 और R2 है यदि, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कार्डिनलिटी होगी वो होगी R1 × R2। पहली टेबल में 3 रिकॉर्ड थे, दूसरी टेबल में 2 रिकॉर्ड थे, तो 3 × 2 = 6। तो हमारे इस एग्जाम्पल में कार्डिनलिटी जो होगी, कार्डिनलिटी भी 6 होगी, ठीक है। नंबर सेम होने से कंफ्यूज मत होना, दोनों का फॉर्मूला अलग है। यदि यहां पे मैं एक रिकॉर्ड और बढ़ा देता, एम्प्लॉय में फोर्थ एम्प्लॉय ऐड कर देता, तो कार्डिनिटी कितनी हो जाती, 4 × 2 = 8। कार्डिनिटी हो जाती 4 × 2 = 8, पर डिग्री वही रहती सेम, 3 × 3 = 6। डिग्री कब चेंज होगी, जब कॉलम्स चेंज होंगे। तो कॉलम का समीशन से कार्टेशियन प्रोडक्ट टेबल का डिग्री बन रही है, रोज के मल्टीप्लीकेशन से, रिकॉर्ड्स के मल्टीप्लीकेशन से कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्ट की कार्डिनलिटी बनती है, ठीक है। इसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट बात पर आए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगली स्टेप है जॉइन ऑपरेशन। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन का एक बंच आ जाता है रिकॉर्ड का। हम चाहते हैं कि केवल रिलेटेड रिकॉर्ड दिखे, मतलब वी वॉन्ट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल विथ देयर डिपार्टमेंट डिटेल ओनली। मतलब हमको हर एम्प्लॉय के साथ में केवल उसके ही डिपार्टमेंट की डिटेल चाहते हैं। 101 अमित के साथ में 10 सेल्स की डिटेल चाहते हैं। 102 राहुल जो है उसके साथ में सिर्फ प्रोडक्शन की डिटेल आनी चाहिए। रितु का नंबर 10 है तो उसके सामने सिर्फ सेल्स की डिटेल आनी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन नहीं चाहते हम। तो इसके लिए हम ज्वाइन ऑपरेशन करते हैं। ज्वाइन ऑपरेशन की क्वेरी बनाने का तरीका क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी, इतना तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा था, पर उसके एक स्टेप आगे जाके हमने कंडीशन एक लिख दी, वेयर ईएमपी डॉट डीएनओ इक्वल डीपीटी डॉट डीएनओ। ईएमपी का डीएनओ और डीपीटी के डीएनओ को मैच करवा दिया, एम्प्लॉय टेबल के डीएनओ को डिपार्टमेंट टेबल के डीएनओ से मैच करवा दिया। तो देखो मैचिंग में ये हाईलाइटेड है, ईएमपी का डीएनओ 10:10, जहां पर ये मैच हो रहा है वो आउटपुट में रिकॉर्ड कॉम्बिनेशन आ रहा है। ईएमपी का डीएनओ 10 है, यहाँ पर डीपीटी का डीएनओ 20 है, ये मैच नहीं हो रहा, आउटपुट में नहीं आ रहा है। राहुल वाला रिकॉर्ड में, थर्ड रिकॉर्ड में डीएनओ 20 है और डिपार्टमेंट का डीएनओ 10 है, ये आउटपुट में नहीं आ रहा है। यहाँ ये 20 और 20 मैच हो गया, तो ये रो कॉम्बिनेशन आउटपुट में आ गई। रितु रितु राहुल की वाली रो आ गई 20 20 वाली, रितु का 10 10 मैच हो गया, थर्ड तो ये थर्ड रिकॉर्ड बन गया आउटपुट में। रितु का जो नेक्स्ट रिकॉर्ड कॉम्बिनेशन है 10 और 20 है, मैच नहीं हुआ, आउटपुट में नहीं आया। तो ईएमपी साइड के डीएनओ को डीपीटी साइड के डीएनओ से मैच करेगा, ये ईएमपी का डीएनओ।
बिल्कुल दो बार आ रहा है, क्यों? उसका रीजन क्या है? कॉलम तो डिसाइड होता है सिलेक्ट से, सिलेक्ट स्टार लिखा है ना, तो अब स्टार का मतलब हो गया ऑल कॉलम ऑफ ईएमपी एंड ऑल कॉलम ऑफ डीएपीपी। ठीक है बेटा, हम चाहते हैं कि डीएनओ डीएनओ दो बार क्यों दिखाए हम डीएनओ तो एक ही जैसा जब मैच होकर आने वाला है और एक ही वैल्यू आने वाली है तो हम एक ही बार दिखाना चाहेंगे, तो फिर थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे यहां पर, इस क्वेरी को और थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेकेंड लाइन तो सेम रहेगी, फर्स्ट लाइन में चेंज आएगा बस। क्या चेंज आएगा बेटा? सिलेक्ट स्टार की जगह हमने लिखा ईएमपी डॉट स्टार, मतलब वी विल शो ऑल कॉलम ऑफ एम्प्लॉय टेबल बट नॉट ऑल कॉलम ऑफ डीपीटी, वी आर शोइंग ओनली डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट सिटी। अब हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा काम ये कर दिया कि एम्प्लॉय के तो सारे कॉलम शो करो आप, पर डीपीटी का सिर्फ डी नेम शो करो और सिटी शो करो। मतलब क्या छोड़ दिया हमने डिपार्टमेंट साइड से, डिपार्टमेंट टेबल में कितने कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर को छोड़ दिया, बाकी सारे डिस्प्ले करवा दिए डिपार्टमेंट। तो आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट में हमको ईएमपी के ऑल कॉलम तो आएंगे पर डीपीटी के ऑल कॉलम नहीं आएंगे, दो ही कॉल उसमें डीपीटी के केवल डिपार्टमेंट नेम और सिटी आएगा। अब देखो आउटपुट ऐसा आएगा इसका, जब आउटपुट हम क्वेरी टाइप करेंगे तो आउटपुट ये मिलेगा आपको। क्या फर्क हुआ, बस फर्क ये हुआ कि यहां सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू लिखने पर टेबल वन से भी सारे कॉलम और टेबल टू से भी सारे कॉलम आ रहे थे, इस वजह से कॉमन फील्ड रिपीट हो रही थी। पर यदि हमने टेबल वन के ऑल कॉलम कर दिए और टेबल टू के सिलेक्टेड कॉलम के नाम मेंशन कर दिए तो कॉमन फील्ड को एलिमिनेट करवा सकते हैं। और यहीं से ज्वाइन का दो टाइप भी बन रहा है बेटा, ज्वाइन के दो टाइप क्या है, एक ज्वाइन का एक टाइप है सिंपल ज्वाइन, इसी को सिंपल ज्वाइन भी कहा जाता है बेटा, एक थ्योरी डेफिनेशन यहां से बनती है, और एक होता है नेचुरल ज्वाइन, ये होता है नेचुरल ज्वाइन। अब ये जो सामने केस है आपका सिंपल ज्वाइन का केस है, सिंपल ज्वाइन में क्या होता है, इन केस ऑफ सिंपल ज्वाइन वी अप्लाई सिंपल ज्वाइन ऑपरेशन बिटवीन टू टेबल देन इट विल डिस्प्ले कॉमन फील्ड ट्वाइस। जब दो टेबल के बीच में सिंपल ज्वाइन ऑपरेशन किया जाता है तो वह कॉमन फील्ड को दो बार डिस्प्ले करता है, जैसा कि दिख रहा है आपको डिपार्टमेंट नंबर दो बार आया। बट इन केस ऑफ नेचुरल ज्वाइन, बट नेचुरल ज्वाइन की स्थिति में, बट इन केस ऑफ नेचुरल ज्वाइन की स्थिति में कॉमन फील्ड इज डिस्प्लेड वंस, कॉमन फील्ड को एक बार डिस्प्ले किया जाता है। और ऐसा करवाने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ क्वेरी में एडजस्ट किया थोड़ा सा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन टेबल टू लिखने पर टेबल वन और टेबल टू दोनों के साइड से सारे कॉलम आ रहे थे, इसलिए कॉमन फील्ड दो बार दिख रहा था, डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल में था तो दोनों के साइड से आ रहा था। पर हमने नेचुरल ज्वाइन बनाने के लिए क्या किया, ईएमपी के ऑल कॉलम बुला लिए और डीपीटी के डी नेम और डी सिटी को इनविटेशन दिया, बाकी डिपार्टमेंट नंबर को नहीं आने दिया डिपार्टमेंट साइड से, तो इसलिए बन गई है नेचुरल ज्वाइन। क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट? सर नेचुरल ज्वाइन समझ आ रही है। देखो कोई बड़ी बात नहीं, क्वेरी में आपको पता होगा, मैं क्वेरी को फोकस कर रहा हूं जरा, यहां पर केवल इतना किया बेटा, सिलेक्ट स्टार ना लिखते हुए लिखा ईएमपी डॉट स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार लिखने पर तो क्या हो गया, टेबल वन के भी स्टार टेबल टू पर भी स्टार, मतलब ऑल कॉलम ऑफ टेबल वन एंड ऑल कॉलम ऑफ टेबल टू हो रहा है, इसका मतलब तो ये हो रहा है ईएमपी डॉट स्टार एंड डीपीटी स्टार बोथ, क्योंकि आपने सिर्फ स्टार लगाया था, है ना, ऑल कॉलम ऑफ ईएमपी टेबल एंड ऑल कॉलम ऑफ डीपी टेबल। पर नेचुरल ज्वाइन की क्वेरी में क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल ज्वाइन की क्वेरी में कह रहे हैं ऑल कॉलम ऑफ ईएमपी एंड डीपीटी डॉट डी नेम, मतलब टेबल नेम डॉट फील्ड नेम, ये सिंटेक्स है, इस वजह से टेबल डिपार्टमेंट टेबल का डी नेम कॉलम दिखाओ, डिपार्टमेंट टेबल का सिटी कॉलम दिखाओ, ईएमपी के सारे कॉलम दिखाओ,
तो सारे कॉलम मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। डीपीटी का डिपार्टमेंट का नेम दिखाओ, डीपीटी का सिटी दिखाओ, तो डीपीटी का सिर्फ डिपार्टमेंट नेम और सिटी दिखाया, यहां से हमने डीएनओ को एक्सक्लूड कर दिया। तो इस वजह से क्वेरी में सेलेक्ट करते समय आपने डिसाइड क्या कर दिया, ऑल कॉलम ऑफ ईएमपी बट ओनली टू कॉलम ऑफ डीपीटी, तो इस वजह से कॉमन फील्ड नहीं आ पाया। तो ये क्वेरी बन गई एक तरह से नेचुरल ज्वाइन की, है ना, इट इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन। डेफिनेशन भी लिख दो, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं ये। इन सिंपल ज्वाइन कॉमन फील्ड इज डिस्प्लेड ट्वाइस, और एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। केवल थ्योरी डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, क्वेरी का एग्जांपल भी देना पड़ेगा। इन केस ऑफ नेचुरल ज्वाइन कॉमन फील्ड इज डिस्प्लेड वंस, क्लियर हुआ? तो ये हो गया सिंपल ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन। अब हाँ कुछ डाउट? नो सर, सर आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। आगे ज्वाइन का अलग अलग परसेप्शन से क्लासिफिकेशन है, ज्वाइन का अलग अलग तरीकों से वर्गीकरण है, अलग अलग तरीके से बांटा गया। एक नजरिया हमने सामने देख लिया बेटा कि कॉमन फील्ड को दो बार दिखाना है या एक बार दिखाना है, इस बेसिस पर देखें तो ज्वाइन के दो टाइप आपके सामने, एक सिंपल ज्वाइन और एक नेचुरल ज्वाइन। फिर एक अलग क्लासिफिकेशन भी है बेटा, वो दूसरा एंगल से देख रहे हैं, वो एक थ्योरी डेफिनेशन भी होती है, इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन मतलब क्या, मतलब यही दोनों क्वेरी जो आपके सामने लिखी है दोनों इक्वी ज्वाइन की। अब किस बिजनेस पे इक्वी ज्वाइन बोला जाता है? इफ योर ज्वाइन कंडीशन इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, यदि आपकी ज्वाइन कंडीशन में इक्वलिटी पर बेस्ड, आपने मैचिंग करवाई है, देखो ना यहाँ इक्वल का साइन लगाया है, मतलब हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डीपीटी के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल हो, उन्हीं को दिखाना, हमने ये बोला तो आउटपुट में ये आ गया। ये कैसा हो गया, ये ईएमपी का डिपार्टमेंट नंबर डी, अभी ठीक है आवाज? यस सर। हेलो हेलो, यस सर ठीक है। हाँ, तो ईएमपी का डिपार्टमेंट नंबर डीपीटी के डिपार्टमेंट नंबर से मैच करवाना, ये कंडीशन हम, हाँ ये ज्वाइन कंडीशन जो है, ज्वाइन कंडीशन बेस्ड ऑन इक्वलिटी है, देन इट इज कॉल्ड इक्वी ज्वाइन। इफ इन अ ज्वाइन क्वेरी ज्वाइन कंडीशन इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, यदि ज्वाइन कंडीशन है इक्वलिटी पर बेस्ड है, मैचिंग पर बेस्ड है, तो ये इक्वी ज्वाइन है बेटा। बट ज्वाइन कंडीशन इज नॉट, इज बेस्ड ऑन अनइक्वलिटी, नॉन इक्वलिटी, तो इट इज कॉल्ड नॉन इक्वी ज्वाइन। इफ इट इज नॉट बेस्ड ऑन इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी नहीं है तो फिर ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, नॉट इक्वल होगा, तो फिर इसको बोलेंगे नॉन इक्वी ज्वाइन। कैसे और क्या होगा, इससे आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो देख लो। जस्ट क्वेरी लिखोगे आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी, है ना बेटा, हमने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी, और ज्वाइन कंडीशन में ये कम ही यूज करोगे, प्रैक्टिकली आगे यूज नहीं करोगे ज्यादा, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया। इक्वल टू का साइन तो आपने सिंगल इक्वल लगाया, नॉट इक्वल टू का साइन ये होता ही है, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू का साइन, एक्सप्लेनेशन के साथ में इक्वल है ना, तो कोई सा भी नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, तो उस केस में आपको रिकॉर्ड में क्या दिखेगा, आप याद करो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला केस, उसमें फिर आउटपुट में जो रिकॉर्ड अनमैच्ड है, जिनका डिपार्टमेंट नंबर दोनों साइड का, ईएमपी और डीपीटी साइड का डिपार्टमेंट नंबर अनमैच्ड था, वही आउटपुट में आ जाएंगे। अमित 10 का है उसके सामने 20 प्रोडक्शन की डिटेल आ जाएगी, राहुल 20 का है उसके सामने 10 सेल्स दिल्ली की डिटेल आ जाएगी, रितु 10 की है उसके सामने 20 प्रोडक्शन की डिटेल आ जाएगी, मतलब हर एम्प्लॉय के साथ में अदर डिपार्टमेंट की एक्सेप्ट उसका खुद के डिपार्टमेंट,
अदर डिपार्टमेंट की डिटेल आ जाएगी यदि हमने नॉन इक्वी ज्वाइन लगाया। बात समझ में आई यहां पर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई डाउट? मतलब आपने एक सीक्वेंस में माइंड में नहीं रखा। दोबारा बता दो। हाँ, इतनी सी बात है बेटा कि ज्वाइन कंडीशन जो है उसमें हम जरूरत पड़ने पर इक्वलिटी लगा रहे हैं। यदि ज्वाइन कंडीशन किसको बोलते हैं? जिसमें कॉमन फील्ड पर बेस्ड कंडीशन बना, ईएमपी का डीएनओ, डीपीटी का डीएनओ, जहां मैच करवा रहे हैं, तो वो कौन सा ज्वाइन हुआ? इक्वी ज्वाइन। पर यदि ज्वाइन कंडीशन में इक्वलिटी के बजाय नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन का साइन लगा रहे, इक्वल टू को छोड़कर, तो वो फिर नॉन इक्वी ज्वाइन हुआ। और उससे आउटपुट में क्या आएगा? वहां से मैचिंग डिपार्टमेंट नंबर कितना होकर जहां अनमैच्ड है वही आउटपुट में आएंगे। मतलब 10 के साथ में 20 आएगा, 20 के साथ में 10 आएगा, 10 के साथ में 20 आएगा। मतलब कुल मिला के देखो, नेचुरल ज्वाइन में तो सारे कॉम्बिनेशन आ रहे थे, मैचिंग अनमैचिंग कुछ नहीं देख रहा था, सीधे सीधे कॉम्बिनेशन आ रहे थे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा हो रहा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद यदि इक्वी ज्वाइन की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वो मैच करते हुए रिकॉर्ड को दिखा रहा था, जहां पे ईएमपी साइड का डीएनओ डीपीटी साइड का डीएनओ से मैच हो रहा है, वो आउटपुट में रिकॉर्ड आ रहा था। अब नॉन इक्वी ज्वाइन में टोटल अनमैच्ड वाले आ रहे हैं, ईएमपी साइड का डीएनओ डीपीटी के डीएनओ से मैच नहीं हो रहा है, वो कॉम्बिनेशन आउटपुट में आ रहा है, बाकी जो मैचिंग वाले कॉम्बिनेशन है वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं आउटपुट में। तो ये होता है नॉन इक्वी ज्वाइन बेटा, है ना। नॉन इक्वी ज्वाइन का प्रैक्टिकल यूज अभी हम कम करेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे पर बहुत सारे केस इक्वी के ही बनेंगे। तो पर टाइप्स याद रहे, कितने तरह से क्लासिफिकेशन है, एक तो सिंपल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये कैटेगरी अलग है। फिर कंपेयर करने के लिए इक्वी और नॉन इक्वी अलग कैटेगरी है ना। तो मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं, ये इक्वी और नॉन इक्वी ज्वाइन के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग सिंपल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन एक कैटेगरी होगी, आपस में कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, सिंपल और नेचुरल दोनों में कंपेरिजन है, इक्वी और नॉन इक्वी को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। पर आप ऐसा सोचेंगे कि इक्वी का सिंपल ज्वाइन से क्या रिलेशन है, तो वो परसेप्शन ही अलग है। इक्वी ज्वाइन में हम किस बात को देख रहे हैं? ज्वाइन कंडीशन। इक्वी नॉन इक्वी के लिए देख रहे हैं कि ज्वाइन कंडीशन इक्वलिटी पे बेस्ड देती है, यदि इक्वलिटी पे बेस्ड है तो इक्वी ज्वाइन है। पर यदि आप बोले कि ये तो सिंपल ज्वाइन की क्वेरी भी है, हाँ है, सिंपल ज्वाइन में हम क्या देख रहे हैं? सिंपल ज्वाइन में हम ये देख रहे हैं कि कॉमन फील्ड जो है रिपीट हो रही है, तो वो सिंपल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में कॉमन फील्ड वंस डिस्प्ले हो रही है, तो मतलब नेचुरल ज्वाइन, है ना। कॉमन फील्ड पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है सिंपल और नेचुरल, ज्वाइन कंडीशन पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है इक्वी और नॉन इक्वी। दोनों क्लासिफिकेशन का बेसिस ही अलग अलग है, तो उस आधार पे ये अभी चार टाइप समझे आपने, सिंपल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन। अब थोड़ा सा पहले दो टाइप और है, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन, और फिर उसके क्लासिफिकेशन है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। पर उसको जाने के पहले थोड़ा इसकी यहीं पे प्रैक्टिस कर ले, कुछ क्वेश्चन बना बना कर, ठीक है। आपके सामने ये फिर से मैं दो टेबल रख रहा हूं और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बना रहे। देखो यहां पे हमको क्या करना है बेटा, यदि बोला गया है, एक क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू शो डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन दिल्ली। उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल बताओ जो कि दिल्ली में कार्य करते हैं, बताओ, आंसर बोलो फटाफट जल्दी। ट्राई तो करो जल्दी जल्दी, मैं करेक्ट करूंगा। सर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। करेक्ट, आगे बढ़ो थोड़ा और धक्का लगाओ उसको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी तक बोल दिया आपने, पर अकेले ईएमपी से कुछ बनेगा क्या? क्योंकि अकेले ईएमपी टेबल में पीटी भी लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो सिटी वाली बात है जिस पर बेस्ड कंडीशन है वो अगली टेबल में। यदि आप के क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कंडीशन में अलग टेबल का रेफरेंस लेना पड़ रहा है,
या डिस्प्ले करते समय दोनों टेबल के कॉलम शो करने पड़ रहे हैं, तो पक्की बात है ये ज्वाइन क्वेरी होगी। ये 100% आपको यहाँ पे क्वेरी में ज्वाइन कंडीशन लिखना ही पड़ेगी, उनके कॉमन फील्ड को मैच करने की कंडीशन लिखना ही पड़ेगी, तभी क्वेरी सही मानी जाएगी। तो यहाँ मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीएपी, तो डिटेल पूरी आ जाएगी। अब डिटेल का मतलब ये नहीं कि अकेला एम्प्लॉय की डिटेल 101 Amit 10, एम्प्लॉय की फुल डिटेल बोला है ना, तो इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट डिटेल आ जाएगी उसके साथ के। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीएपीटी वेयर, ये तो लिखना ही है फिर कंपलसरी, जब आपको दो डिफरेंट टेबल है उसको रिलेट करने के लिए आपको अंडरस्टूड है ये कंडीशन तो लिखना ही पड़ेगी। वेयर ईएमपी डॉट डीएनओ इक्वल डीएपीटी डॉट डीएनओ, पहले तो हमने मैचिंग करवा दिया, पर यहां पर दिक्कत तो ये है कि ये उठा के आउटपुट क्या दे देगा, ये आउटपुट में उठा के हमको रिलेट करके पूरा ये आउटपुट दे देगा, ये वाला आउटपुट दे देगा। पर अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? वे राइट अ क्वेरी टू शो डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन दिल्ली। अभी तो ये सारे एम्प्लॉय मुंबई वाले भी दिखा रहा है, हमको ये मुंबई वाले को एलिमिनेट करना है, केवल दिल्ली वालों को ही रखना है, तो आपकी कंडीशन को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ये दो क्वेरी तो हो गई, दो लाइन तो हो गई क्वेरी में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी वेयर ईएमपी डॉट डीएनओ इक्वल डीपीटी डॉट डीएनओ, एंड आगे क्वेरी में लिखेंगे एक और कंडीशन पार्ट एड होगा, बताओ क्या? सिटी इक्वल टू दिल्ली, बिल्कुल सही बात, सिटी इक्वल टू दिल्ली। अब एक और चीज बेटा, ये सिटी कॉलम जो है दोनों टेबल में एक ही जगह एक ही बार आया है ना, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं। यदि कोई ऐसे कॉलम पर बेस्ड कंडीशन हो रही है तो फिर जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है वहां पर टेबल का नाम भी मेंशन करना आ गया। तो अभी मैं जरूरत नहीं है फिर भी मेंशन कर दे रहा हूं डीपीटी डॉट सिटी। जरूरी कब हो जाएगा? यदि सिटी एम्प्लॉय टेबल में भी एक कॉलम होता, सिटी डिपार्टमेंट में भी होता, तब तो कंपलसरी है कि आपको किसी ऐसा कॉलम जो कि दोनों टेबल में अवेलेबल है तो उसका क्वेरी में ज्वाइन क्वेरी में नाम मेंशन करते समय टेबल नेम डॉट फील्ड नेम का सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। अभी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट सिटी लिखते तो भी क्वेरी रन होती, तो मैंने अभी लिख दिया है वैसे भी, एंड डीपीटी सिटी डॉट इक्वल दिल्ली। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी कंडीशन में पहले तो मैचिंग वाले रिकॉर्ड आएंगे जिनका डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय का डीपीटी से मैच हो रहा है, येलो में हाईलाइटेड है, ऑलरेडी मैच्ड वाली है, और साथ में एक और चीज चेक होगी सिटी भी दिल्ली होना, तो अब सिटी दिल्ली इसमें तो है ये आउटपुट में आएगा रिकॉर्ड, इसमें नहीं है ये आउटपुट में रिकॉर्ड नहीं आएगा, थर्ड रिकॉर्ड में सिटी दिल्ली है इसलिए ये रिकॉर्ड में आउटपुट आएगा और इसका आउटपुट फाइनली ये होगा। तो राइट अ क्वेरी टू शो डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन दिल्ली, उसका आंसर होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमन डीपीटी वेयर ईएमपी डॉट डीएनओ इक्वल डीपीटी डॉट डीएनओ, ये रहेगा, एंड डीपीटी सिटी डॉट डीपीटी डॉट सिटी इक्वल दिल्ली, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन में छोटा सा चेंज, राइट अ क्वेरी टू शो डिटेल की जगह पर वर्ड यूज होता, राइट अ क्वेरी टू शो नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर of all employees who are working in city Delhi, बताओ क्या चेंज होगा? सर सिलेक्ट वाली लाइन बदल देंगे, चेंज होगा सिलेक्ट ई नेम कोमा डीएनओ फ्रॉम एम्प्लॉय कोमा डीपीटी वेयर एम्प्लॉय डॉट डीएनओ इज इक्वल टू डीपीटी डीएनओ, एंड फिर नीचे वाला लाइन में आएगा एंड डीपीटी सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ये आंसर 99% करेक्ट है, 1% गलत क्यों है वो भी बताओ। मतलब क्वेरी में तो एरर आएगी, बोलो 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 बोलो। फर्स्ट लाइन में डीपीटी की वजह से क्या क्या डीपीटी की वजह से भैया, यहाँ तो ईनेम तो पता है कि दोनों ईएमपी डीपीटी आपने लॉट में फ्रॉम में लगा दिया, तो ईनेम तो एक ही है दोनों टेबल में, एक ही जगह पे ईनेम, पर यहाँ कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कामा स्कूल में,
कि ये डीएनओ किसका ईएमपी का दिखाना है कि डीपीटी का दिखाना है, डीएनओ तो दोनों जगह है ना, तो इस वजह से वो सीपी वाला सिंटेक्स इसके लिए तो फॉलो करना ही है बेटा, कि हम बात कर रहे हैं ईएमपी साइड के डीएनओ की या डीपीटी साइड के डीएनओ की। आपके मन में होगा हमको एक ही तो चाहिए, दोनों एक जैसे तो है, पर फिर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप सेलेक्ट करते समय कौन सा कॉलम पिक करें, इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा emp.dno या dpt.dno, कुछ भी एक तो मेंशन करना हो। क्लियर हो गई बात? इसके लिए जरूरत नहीं है, पर एक हैबिट होना चाहिए ज्वाइन क्वेरी में, जब भी कॉलम सिलेक्ट करो ना तो कॉलम के पहले टेबल का नेम ज्वाइन क्वेरी में मेंशन कर देना चाहिए। तो फिर अब ये हो गया आंसर, इसका परफेक्ट आंसर हो गया, पर इसमें और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं। बार बार टेबल का पूरा नाम लिखना, उसके बाद डॉट फील्ड नेम लिखना, इस मेहनत को कम करने के लिए टेबल के अलाइज नेम भी दे सकते हैं बेटा। क्या चेंज होगा? कंपलसरी नहीं है, पर आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाती है उससे। बार बार टेबल का नाम लिखने की मेहनत को बचाना है तो आप फ्रॉम के आगे टेबल को एक टेम्पररी नेम दे दें। मैंने ईएमपी टेबल को एक टेम्पररी नेम कैपिटल ई दे दिया, डीपीटी को एक नेम दे दिया डी। अब ये फ्रॉम के आगे ये अलाइज नेम, ये टेम्पररी नेम देने का फायदा क्या? इसका फायदा ये कि अब सिलेक्ट करते समय में ईएमपी डॉट ईनेम न लिखते हुए सिर्फ ई डॉट ईनेम लिखूंगा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डीपीटी डॉट डीएनओ लिखने के बजाय सिर्फ डी डॉट डीएनओ लिखूंगा तो भी चल जाएगा। ईएम ज्वाइन कंडीशन में तो जरूरत आती है, वहां पे भी अब जरूरत नहीं है पूरा ईएमपी लिखने की, सिर्फ ई डॉट डीएनओ इक्वल डी डॉट डीएनओ लिख देंगे तो चलेगा। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ईएमपी का फर्स्ट लेटर ई रखा, मैं ई वन ई टू टेबल वन टी वन टी टू जो नाम शॉर्ट नेम देना है वो दे सकता हूँ टेबल को। तो इससे ये फायदा है टेबल को टेम्पररी नेम फ्रॉम के सामने देने पर, फिर जब भी पूरी क्वेरी में कहीं पर भी उस टेबल को रेफर करने की जरूरत होती है तो वो आप टेम्पररी नेम यूज कर सकते हैं बेटा। तो ये एक फायदा है टेबल को अलाइज नेम, एक टेम्पररी नेम प्रोवाइड करने का, ये भी एक तरीका आपने देख लिया अभी। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? सर ये नेमिंग हम प्रोग्राम लिखते हुए भी दे सकते हैं? प्रोग्राम मतलब क्वेरी लिखते हुए? हाँ प्रैक्टिकली कर सकते हैं बेटा, क्वेरी लिखते समय कर सकते हैं, रन हो जाएगा। बिल्कुल 100% रन होगा बेटा, 100% टू प्रोवाइड टेम्पररी नेम टू टेबल इन ज्वाइन क्वेरी, ये एक टेस्ट, ये भी आपने समझ लिया है ना बेटा। तो ये फ्लो में सारी चीजें हैं, एक बार देख लेना। स्पेशली मैंने आज इसके लिए रिकॉर्डिंग भी ऑन की है, पता नहीं कैसी हुई होगी, चेक करेंगे है ना। और आज का जरूर रिविजन जरूर कर लेना, अभी आपकी क्लास का टाइम ऊपर हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय बेटा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।